नमस्कार सूर साहब, आपका दिल्ली वॉइस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं, सुबह सुबह की एक करंट न्यूज़ है जिसमें कांग्रेस की एक बैठक होने वाली थी जिसमें ममता ने भी मना कर दिया उस बैठक में आने से। मायावती पहले ही मना कर चुकी है और यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी का कोई भी सदस्य उसमें बैठ नहीं रहा। ये जो फूट देखने को मिल रहा है अभी आपस में, क्या लग रहा है, आने वाला क्या संकेत बताता है इसमें? देखिए, ये जो थोड़ी देर के लिए इकट्ठे हुए थे किसी एक प्लेटफॉर्म पे, एंटी इंडिया प्लेटफॉर्म पे, इनको ये लग रहा है कि जैसे अपने महाराष्ट्र में डेवलपमेंट हुई, महाराष्ट्र में डेवलपमेंट होने के बाद ये लगा कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने बड़ा कुछ उल्टा सीधा बोल दिया और उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट गिरने को जा रही है। तो इनको लगता है, इसलिए लगता है कि ये जो एंटी इंडिया जो इनकी जो एक गठबंधन बनने का है या उनके एक्शंस हैं, उनको लग रहा है कि इससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। और मायावती जो है पहले भी थोड़ी सॉफ्ट थी, लेकिन अब बेसिकली इसलिए वो हो गई कि उनको भी ये चीज़ समझ आ गई कि भाई मैं अगर एंटी इंडिया चलूँगी तो मेरा काम नहीं चलेगा। और मायावती को ये पता है कि उसका गठबंधन किसी से नहीं होगा, ना कांग्रेस से होगा ना एसपी से होगा, यूपी के अंदर कन्फाइंड वहाँ तक की हैं, तो इसलिए वो हो गई। जहाँ तक केजरीवाल की बात है, केजरीवाल को आप देखते हो, केजरीवाल हर एक चीज़ में घुसता था, चाहे पुलवामा हो चाहे बालाकोट हो, हर एक उल्टे स्टेप थे, पाकिस्तान टीवी पे छाया रहता था। इसे 4-5 महीने से कोई एक इसको एक ऑर्गेनाइजेशन हेल्प कर रही है इसकी इमेज बनाने की, कि बड़ा सीधा आदमी है, बड़ा शरीफ आदमी है, शक्ल से तो आपको पता ही है, जैसे मुस्कुराहट जो मिस्चीवियस ही देता है। तो इसको यह है कि दिल्ली के इलेक्शंस पास में हैं, अगर इसने एक स्टेटमेंट दी तो ये डूब जाएगा, तो ये कांग्रेस के साथ नहीं जा रहा। और तीसरा इसको ये भी है कि भाई इसकी जो मेन फाइट दिल्ली में है, इसकी जो सेकेंड और थर्ड प्लेस की, वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में है, क्योंकि ये सिर्फ बैंक कर रहे हैं अपने मुस्लिम वोटों के लिए। तो ये एक इशू है। और जहाँ तक ममता जी का चक्कर है, स्पेशली मैं सोचता हूँ कि ये जो दीपिका पादुकोण का इशू हुआ है कि वो जेएनयू में चली गई, एंटी इंडिया लोगों से मिलने चली गई, और उनकी पिक्चर जो है टोटली जो है जो होनी चाहिए थी टॉप पे निकलनी चाहिए थी, उसकी जो ग्रेडिंग इतनी नीचे आई है, उसकी इनकम नहीं हो रही। तो इससे लगता है कि इनको लोगों को समझ आ गई कि भाई ये जो बैठे हैं 90% लोग, ये जो है इनको हम ग्रांटेड नहीं ले सकते। तो शायद ममता जी को भी इसका चक्कर आया होगा, या फिर उनको समझ रहा आ रहा होगा कि उनका चारता जो स्कैम चल रहा है, चिटफंड स्कैम है, उसमें उनके खिलाफ एक्शन होने वाला, कुछ ना कुछ बात है। तो इसलिए, और फिर कांग्रेस का जो है बेसिकली देखिए कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस, मैंने पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था कहा था कांग्रेस 50 सीटें ही लेगी, लेकिन 2 स्टेट्स में जीत गई, वो एक फ्लूक भी समझ लीजिएगा, या दूसरी बात ये थी कि वहाँ पे इन्होंने झूठे प्रॉमिसेस किए उसकी वजह से, और ये महाराष्ट्र में भी घुस गए। आप देखिएगा, आप अल्टीमेटली महाराष्ट्र में बाहर आ जाएंगे, उद्धव ठाकरे भी जाएगा, ये भी जाएंगे, दिल्ली में इनका कोई थर्ड का चांसेस है, केजरीवाल शायद नंबर 2 पे आ जाए, 10-15 सीट पे ये शायद 5-7 सीट पे अटक जाए। तीसरा जो है ममता ने भी कह दिया कि इनको साथ नहीं है, और इनकी कोई बेसिकली पॉलिसीज प्रोग्राम्स नहीं है। ये जो पॉलिसीज प्रोग्राम्स के ऊपर बात नहीं करते, वो बेसिकली लास्ट ज़्यादा नहीं करते, और ये जो कह चुके अपना झूठा मूठा कर चुके, अब इनका टाइम खत्म होने वाला है, और जनता इनसे भी नाराज़ है। पादुकोण के चक्कर में, दीपिका पादुकोण के चक्कर में कोई समझ आ गया कि इनको लोग पसंद नहीं कर रहे, चाहे एजिटेशन करने में गुंडे ले आए, जब कुछ भी ले आए, तो अब इनको इनके दिन जो है ना लदने वाले हैं। जैसा कि अभी देख रहे हैं, जहाँ भी धरने प्रदर्शन हो रहे हैं या ऐसी भी हिंसा होती है, वहाँ पे ये लोग पहले पहुँच जाते हैं, वहाँ पे देश विरोधी जो भी गतिविधियाँ हो रही है उसमें भी समर्थन। देखिए, आप देख लीजिए, पहले राहुल उल्टा सीधा बोलता रहा, अब प्रियंका आ गई, कभी स्कूटर पे चढ़ती है, कभी कुछ करती है, ये सोच रही है शायद मेरी बड़ी इमेज बन रही, क्योंकि इनके जो गिने चुने सपोर्टर हैं वो इनके साथ है, कोई खड़ा भी नहीं होता, धरने बैठते कोई साथ नहीं खड़ा होता। तो इनको ये अब लग गया है कि आकर के कि कोशिश फिर ये कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई पॉलिसी प्रोग्राम नहीं है, और ये जो पीएम के जो मोदी के जो पॉलिसी प्रोग्राम्स हैं उनको इसलिए पोस्ट कर रहे हैं लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए, और मेरे ख्याल वो कन्फ्यूजन अभी ख़त्म होने वाला बहुत जल्दी। तो इनकी आइसोलेटेड सिचुएशन में रहेंगे कांग्रेस। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि एनआरसी को लेके भी, जैसे पहले तो सीएए को लेके काफ़ी हुआ, लेकिन वो ज़्यादातर अब क्लियर हो गया, क्योंकि इसके बावजूद भी, इनके विपक्ष के बावजूद भी लागू हो चुका है। देखिए देखिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है, मोदी जो हैं वो एक विजन के आदमी हैं, एक नेशनलिज्म के आदमी हैं, तो जो भी उन्होंने करना है वो करेंगे। उन्होंने बड़ा झेला भी हुआ इनको, उनको गलत केसों में फंसाने की कोशिश की, तो वो उन्होंने करना है करेंगे। इनके जो जो प्रोटेस्ट हैं, ये अपोजिशन, ये टेम्परेरी फेज है, कि जैसे आपका सीए के ऊपर इनको पता ही है झूठा कुछ नहीं है, एनआरसी भी स्टार्ट नहीं हुआ, उसका शोर मचा दिया, और एनआरसी भी आप देखिएगा इम्प्लीमेंट होगा, होके रहेगा। और एनआरसी है क्या, ये ऐसे ही लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं कि जी सारे जो अपना उनको दिखाना पड़ेगा अपने
डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, किसी को नहीं दिखाने पड़ेंगे ये डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाने पड़ेंगे जिनके पास प्रॉपर नागरिकता नहीं है या जिन्होंने झूठे डॉक्यूमेंट बनाए हैं पिछले कुछ सालों में। और स्पेशली कौन से लोग हैं, ये सिर्फ टारगेट किया जा रहा है जो बांग्लादेश से इलीगल लोग आए हैं। भाई एक बात बताइए कि मैं देखता हूँ कि जब भी कोई किसी कंट्री में, मैं तो फॉरेन में भी ना हूँ, अगर वहाँ पे कोई इंडियन जाता है इलीगल तरीके से, झुके फॉल्स डॉक्यूमेंट लेकर के या किसी और तरीके से एंटर कर जाता है, जब वो पकड़ा जाता है सीधे जेल में जाता है। अब इन लोगों को समझ आ गया है कि यहाँ चाहे इनको ये सेंटर बने इनको रखने के लिए, चाहे जेल है जाना पड़ेगा। आप किसी कंट्री में इलीगल स्टे नहीं कर सकते। अगर किसी फॉरनर को इंडिया में आना है प्रॉपर वीज़ा के साथ आए, उसका कोई पासपोर्ट नहीं चले, अपनी कंट्री का पासपोर्ट हो थ्रू प्रॉपर चैनल आए, जो इलीगल तरीके से आया वो यहाँ नहीं बैठ सकता, ना उसको बैठने देना चाहिए। ये हमारी गवर्नमेंटों की सिर्फ वीकनेसेस थी, कमजोरी थी कि इतने साल से यहाँ लोग बैठे हैं, 1.5 करोड़ से ऊपर हैं बांग्लादेशी जो इंडिया में इलीगल तरीके से बैठे हैं। तो गवर्नमेंट ये काम भी करेगी ये, और सीधी बात है जो गवर्नमेंट ने अपने इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था उसकी इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरीके से कर रही और कर रही है। जैसा कि अभी देख रहे हैं हम लोग कि जिसके साथ भी कांग्रेस जाती है उसकी नैया भी डूबने लगती है इसमें। देखिए बेसिकली क्या है, इनको थोड़ा सा कांग्रेस जरूर एनकरेज हो गई वो कि इनको जिस तरीके से भी आकर के शिवसेना ने महाराष्ट्र में धोखा दे दिया, उसकी वजह से वहाँ गवर्नमेंट में आ गए। राजस्थान और मध्य प्रदेश में आप देखिएगा कुछ दिन में, मुझे नहीं लगता कि इनकी मध्य प्रदेश में भी गवर्नमेंट चलेगी, और महाराष्ट्र में तो आउट हो जाएंगे। उसके बाद बंगाल में इनकी कोई राइटिंग नहीं रहेगी, दिल्ली में इनकी कोई प्रेजेंस नहीं होगी। लेकिन देखिए कांग्रेस जहाँ भी बयान देती है तो बयान ये बोलती है कि देखिए हम धीरे धीरे हम कम बैक कर रहे हैं, क्योंकि अरे भाई कम बैक तब करोगे जो तुम्हारी पॉलिसी प्रोग्राम होगी। आप सिर्फ झूठे उस पर वायदे करके कि आपको इतने पैसे दिए, जैसे राहुल गांधी कह रहा था पिछले इलेक्शन में कि ऐसा है 72,000 रुपये हम एक एक आदमी को दे देंगे, भाई कहाँ से दे देगा। लोगों को धीरे धीरे इनका समझ आ रहा है, और जैसे इनकी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स रही है उसके बाद से इनका टोटल फेलियर आ चुका है। और अभी देखिए आप दिल्ली में इनका आ जाएगा अगले महीने कि कांग्रेस कहाँ स्टैंड करती है। ओके तो जैसा कि देखिए अभी भी कांग्रेस काफ़ी सारे उनके जो नेता हैं वो बड़े बड़े ये कर रहे हैं कि अभी जैसे केजरीवाल जी ने 200 यूनिट फ्री किया है तो हम उसको 600 यूनिट फ्री कर देंगे, ये स्कीम मतलब उन्हीं का चल रहा है इस पे। ये देखिए ऐसा है, ये सिर्फ थोड़ी देर की बात है कि पब्लिक को गुमराह करने की बात। केजरीवाल ने भी बड़े प्रोमिसेस किए थे, दिल्ली का भट्ठा बैठ गया, हम इसको केजरीवाल को भी एक्सपोज करेंगे, और ये तो कांग्रेस अपने आप एक्सपोज हो ही जाएगी, हुई पड़ी है। और इसके साथ कोई नहीं मिलने वाला, चाहे 600 कह दे या चाहे हम बिजली भी फ्री कर देंगे, चाहे हम जो बाकी जो भी कर देंगे, इनके साथ कोई नहीं जाने वाला। ये सिर्फ जो है एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए लोग बैठे हैं। इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि चाहे कभी पाकिस्तान से मिल लेते हैं इनके लीडर वहाँ चले जाते हैं, कभी ये चाइनीज़ एम्बेसी में इनके राहुल गांधी चले जाते हैं, कभी उनके वाइस प्रेसिडेंट से मिलने चले जाते हैं उत्तराखंड में बॉर्डर पर। तो ऐसी नेगेटिव उससे पॉलिटिक्स से ज़्यादा नहीं चलेंगे। और पहले भी देखिए इलेक्शन में शोर मचाते रहे, राफेल है राफेल है राफेल है राफेल करता रहा, हुआ क्या। और अभी आप देखिए जा, मेरे को लगता है कि थोड़ी सी बीजेपी की कैंपेनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है। कैंपेनिंग में प्रॉब्लम इसलिए है कि पहले थे यहाँ पे अमित शाह, अब वो होम मिनिस्टर में आने पे थोड़े से डीले पड़ गए, उस तरफ उनका ध्यान है, और लगता है कि अब दिल्ली के इलेक्शन और उसमें अमित शाह ने टोटल चार्ज लिया हुआ है, तो फिर वापस आएगी बीजेपी। हाँ दिल्ली में भी आएगी और बाकी जगह भी आएगी। चलिए चलते चलते हम इलेक्शन को लेके एक बात आपसे क्वेश्चन करेंगे कि अभी जैसे दिल्ली में खासकर दिल्ली की बात करें तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने, कांग्रेस को कहाँ आप देखते हैं? देखिए मेरे हिसाब से मैं अगर आज की डेट में देखता हूँ, जैसे इनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से देखता हूँ, बीजेपी जाकर के 45 से 50 सीटें लेगी, आम आदमी पार्टी 10 के आसपास रुकेगी, और जो 10-12 सीटें जो भी हो 2-4 ऊपर होगी, क्योंकि इसको सिर्फ मुस्लिम एरियाज में सीट मिलेगी। कांग्रेस जो है 5 से 7 सीटें मैक्सिमम, ये मेरे हिसाब से दिल्ली का है आंकड़ा। वो मैं अभी कह रहा हूँ क्योंकि अभी कैंपेनिंग स्टार्ट हो रही है, और हमने भी अभी एक अभी वीडियो इसके ऊपर जारी करने के लिए हैं कि ये केजरीवाल कहाँ तक सच बोलते हैं, कहाँ तक भी फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, बिजली, उसके बारे में अगले वीडियो में इसके बारे में खुलासा करेंगे, इससे देश को क्या नुकसान हो रहा है, दिल्ली को क्या नुकसान हो रहा है। क्योंकि देखिए बहुत पहले आपने पिछले इलेक्शन में भी आपने एक वीडियो जारी किया था जिसके अंदर आपने जो कैलकुलेशन बताया था एकदम एक्यूरेट साबित हुआ वो। देखिए मैं कोई ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो लगा मैंने बोल दिया, और मुझे जो अब लग रहा है मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और मुझे लगता है कि यही सच रहेगा। चलिए जैसा कि आपने जो बताया, यदि ये कैलकुलेशन रहता है तो दिल्ली वालों के लिए हो सकता है कि फिर से नहीं, इसके साथ चाहे शीला दीक्षित थी, प्रोग्रेस तो की, करप्शन के चार्ज थे, प्रोग्रेस तो की, ये आदमी ने तो कुछ किया ही नहीं, आधा पुल बनाया। इसने कहा था मैं दिल्ली में एक इसको क्या कहते हैं अपना सोलर स्टेशन बना दूंगा,
एक सोलर का वो नहीं लगाया इसने, इसने कहा था दिल्ली में पावर प्लांट बना दूंगा अपनी बिजली प्रोड्यूस होगी, कुछ नहीं किया। बदरपुर को हटा दिया पोल्यूशन के चक्कर में, ट्रकों को यहाँ हटा दिया बाहर निकाल दिया, इसने सिर्फ लोगों को परेशान किया और इवन के चक्कर में अपना पोल्यूशन ला के मैं पोल्यूशन कंट्रोल कर दूंगा। जो पैसा था वो रखे रखा, वो पैसे को यूज़ नहीं किया केजरीवाल ने। 2600 करोड़ रखा था पोल्यूशन के लिए, वो यूज़ नहीं हुआ। 1300 करोड़ ऊपर से एडिशनल दिया गया था, वो यूज़ नहीं हुआ। सिर्फ ट्रक बंद हो गए, पावर प्लांट बंद हो गए, भाई फिर पोल्यूशन है। क्योंकि जब काम नहीं करोगे और जाकर के सिर्फ पोल्यूशन किससे हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। एक कहते हैं कार से पोल्यूशन नहीं होता, भाई सारी गाड़ियां चेक्ड होती हैं पोल्यूशन के बाद, उसके बाद रोड पे आती हैं, नहीं हो रहा तो फिर ऑड इवन क्यों? ये मिडिल क्लास को तंग करता है, ये सोचता है कि इससे आगे के तंग करेंगे। आप देखिए पिछली बार जब इसने ऑड इवन लगाया तो दिल्ली में शादियाँ थी, मैरिजेस थी हिंदूज की, इसने उसको जानबूझ के उस पीरियड में किया ताकि वहाँ पे लगे लोग तंग हों, और लोग तंग हुए, और इससे है कुछ कम्युनिटी के लोग खुश होते हैं। चलिए सारी बात तो मैंने छोड़ी, ये लग रहा है कि अभी इसको कांग्रेस को तो आसपास कहीं नजर नहीं आएगी। नहीं, ये बिल्कुल नहीं आएगी। चलिए आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया।